हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सर्कल स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि आप सबको इंतजार था, काफ़ी दिनों से इंतजार था इस भर्ती का, और ये जो है आज भर्ती आपका आ गई है। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि भर्ती आई है UPSI के 9534 पदों की। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने जो है वेबसाइट पर UPSI के। यहाँ पर आप गूगल में टाइप करेंगे यूपी करके, ऐसा आएगा तो UPPRPB पर आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने जो है यूपी पुलिस की जो है वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। और देखिए 25 फरवरी को इसमें एक विज्ञापन जारी हुआ है, और ये सबसे ऊपर वाला है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर PSC और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती। तो आप इस पर टैप करेंगे और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने खुल गया है विज्ञापन। देखिए सबसे ऊपर लिखा है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर PSC अग्निशमन द्वितीय। तो देखिए ये विज्ञापन, आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने जो हैं इसमें पद हैं। तो देखिए अनारक्षित के लिए इसमें 3613 पद हैं, EWS के लिए 902, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो OBC के लिए है 3437। इस तरह से टोटल इसमें 9027 पद हैं। तो अब नीचे देखते हैं, ये तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा रिजर्वेशन के बारे में। फिर इसमें है प्लाटून कमांडर PSC के पद अनारक्षित के 194, EWS के 48, और टोटल हो जाएंगे 484 ये प्लाटून कमांडर के हैं। ये रिजर्वेशन दिया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के। फॉर्म भरने से पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए जो इसकी आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 यानी कि एक महीना बहुत लंबा टाइम दिया है इन्होंने। अब पता नहीं क्या इसके पीछे इनका रीज़न होगा कि एक महीने पहले इन्होंने जो है विज्ञापन निकाल दिया। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फीस दी गई है 400 रुपये। इसके शैक्षणिक अर्हता दी गई है। इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी फॉर्म भरने के लिए, आपकी जो है आयु जो है 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 28 वर्ष। ये इसमें एक बहुत बड़ा जो है जो ओवर एज हो गए हैं बच्चे उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक ये चीज़ है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पेपर दे सके हैं। 2016 में आई थी इससे पहले, और अब आई है, और इस जो है बहुत से बच्चों की एज निकल गई है। तो जनरल की बात कर रहा हूँ, ये जनरल के लिए 28 वर्ष मैक्सिमम है। 1793 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1-7-2000 के बाद का नहीं होना चाहिए जन्मतिथि। पेपर का जो है पैटर्न रहेगा सामान्य हिंदी 100 अंक की, मूल विधि 100 अंक की, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक, मानसिक अभिरुचि के 100 अंक। तो ये इसका सिलेबस हो गया। शारीरिक परीक्षा के लिए सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है।
ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा फिजिकल के लिए। देखिए एससी के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट है, एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट है, लेकिन यहाँ जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, इसलिए जनरल की आयु 28 वर्ष है। तो ये था आपका विज्ञापन। आप जो है फॉर्म भरने से पहले अच्छी तरह से इसको पढ़ लें, और अगर आपको मूल विधि के लिए भी वीडियो चाहिए हो तो मूल विधि की भी मैं लेक्चर लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।